योगेश्वर ज्योतिर्लिंग की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। किसी समय में दारू कलाम की एक राक्षसी थी, माता पार्वती की उसने ऐसी भक्ति की। भक्ति कर माँ पार्वती का जीत लिया है मन, दारू का को रहने की खातिर दे दिया है एक वन। वो वन तो दारू का के मन में ऐसा है भाई, वन में ही दारुका ने तो सदा रहना चाहा। जहाँ भी जाती उस वन को वो साथ में ले जाती, राक्षसी के स्वभाव के कारण बड़ा उत्पात मचाती। उसके पति दारुक भी उसका साथ निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। बड़ा बलवान, ऋषि मुनियों को करने देना यज्ञ हवन पुण्यदान। अपने बाहुबल पे दारुक बड़ा इतराता था, आकर के वो नगरी में उत्पात मचाता था। यज्ञ हवन को नष्ट करे वो जहाँ भी जाता है, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को भगाता है। नगरवासी उसके जुल्मों से तंग बड़े आए, तारुक के जुल्मों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। और वर्षी की शरण में फिर तो वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। वर्षी को नगर वासियों ने आकर बतलाया, दारुक और दारुका ने है बड़ा उत्पात मचाया। और वर्षी ने फिर उन सब की धीर बधाई है, जान गया मैं पति पत्नी दोनों अन्यायी है। अब तो खत्म ही करना होगा इन दुष्टों का ने, क्रोधित होकर दे दिया उनको शाप। धरती पर जो राक्षस ऋषि मुनियों को सताएगा, शाप है मेरा काल बलि उसको खा जाएगा। शाप
काल के कारण सभी राक्षस डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। और वर्षी के शाप का जब देवों को ज्ञात हुआ, राक्षस जाति पर आक्रमण देवों ने कर दिया। इतना देख के सभी राक्षस बड़े ही घबराए, शाप के कारण किसी पे भी वो हमला ना कर पाए। सोच रहे हैं राक्षस वंश हमारा मिट जाए, दारुका की वो तो शरण में है आए। बोली दारुका, मैं ही करूंगी सबकी प्राण रक्षा, पार्वती माता से मांगूंगी जाकर भिक्षा। इतना जानकर सब राक्षस निश्चिंत हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। फिर पार्वती माता का ध्यान लगाया, बोले के मां राक्षस कुल पर बड़ा ही संकट आया। बोली पार्वती, ऋषि और मुनि ने दे दिया शाप, अब धरती पर कर नहीं सकते राक्षस कोई पार। राक्षस कुल को सागर तल में दारुका तुम ले जाओ, ले जाओ वन को भी संग वहीं पे नगर बसाओ। सारे राक्षस कुल संग दारुका सागर बिछाई, राक्षस कुल ने अपनी नगरी फिर तो वहीं बनाई। किंतु सागर में भी वो उत्पात मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। नाम का एक वैश्य था शिव का भक्त सच्चा, सदाचारी और धार्मिक बड़ा ही मन का वह सच्चा। दूर दूर तक फैला हुआ था उसका तो व्यापार, एक दिन जाने लगा कहीं वो नौका पे असवार। तारुक ने तो उस सागर में अपना नगर बसाया, लेके सुप्रिय नौका जब उस नगर के पास में आया, सुप्रिय की नौका पर कर दिया दुष्ट ने आक्रमण। सुप्रिय और साथियों का उसने किया अपहरण, अपनी कारागार में उन सब को ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। कारागार में जाकर भी तो सुप्रिय ना घबराया, होकर बंद कैद में भी है शिव का ध्यान लगाया। दारुक राक्षस को है जब इस बात का पता लगा, सुप्रिय और साथियों पर बड़े वो जुल्म करने लगा। किंतु अटल उसकी भक्ति थी वहाँ ध्यान ना भंग। राक्षस के जुल्म तो बढ़ते ही जाए, करते तुम जिसकी भक्ति वो बोले कब आए। सुप्रिय ढांढस अपने साथियों का बधवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये सुन के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। ये सुन के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। फिर अनुचरों को है आदेश दिया, जो भी करे शु की भक्ति कर दो उनकी हत्या। भक्त सुप्रिय करने लगे फिर शु भोले को याद, भोलेनाथ फिर स्वयं आ गए भक्तों की सुन फरियाद। एक सुंदर सा मंदिर भी फिर वहां गया है स्थापित वहाँ ज्योतिर्लिंग। पाशुपतास्त्र लेकर के शिव खुद ही है आए, सभी राक्षसों के संसाधन पल में दिए मिटाए। भोलेनाथ का रूप देख वो सब डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। प्रिय भक्त को भोलेनाथ ने दिया है ये वरदान, ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरा पावन हो स्थान। वैश्य शूद्र और क्षत्रिय पंडित यहाँ पे वास करें, पापी दुष्ट राक्षस तो यहाँ आने से भी डरे। राक्षस कुल पर आ गया था अब तो संकट भारी, राक्षस इससे भी लेकिन हिम्मत ना हारी। फिर से पार्वती माता को किया है उसने याद, बोली माता पार्वती तुम सुनो मेरी फरियाद। भोलेनाथ तो हर एक जगह हमें हमें भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बोले अपने सब कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग।
को फिर ये है समझाया, भोलेनाथ ही जाने आखिर भोले की माया। किंतु दारू का तुमको भी है मेरा ये वरदान, शुभक्तों का जो न करेगा राक्षस कुल अपमान। उसके वंश पे कभी न कोई संकट आएगा, लेकिन बच ना पाए जो भक्तों को सताएगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा ये डीएस पालन गाई, भोलेनाथ तो बनते हैं भक्तों के सदा सहाय। फौज सुरेश के सारे बिगड़े काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोले अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये शिव के ज्योतिर्लिंग, करे मोह माया को भंग, ये शिव के